राज्य में चर्चित घटनाक्रम के अंतर्गत मॉडल मानवी राज ने लव जिहाद के मामले में अदालत में अपना 164 का बयान दर्ज करवा दिया है। आरोपी कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर अब शिकंजा कसता जा रहा है, हालांकि खबर आ रही है कि वो फरार हो चुका है। चर्चित मॉडल मानवी राज ने गुरुवार को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद मानवी का मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके तहत आगे की कार्यवाही होगी। कोर्ट पहुंची मॉडल मानवी राज ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, साथ ही कहा कि झारखंड पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। दरअसल मॉडल मानवी राज ने कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर गोंदा थाना में FIR दर्ज की गई थी। मानवी का बयान दर्ज होने के बाद कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तनवीर अख्तर फरार चल रहा है। अब वहां बयान दर्ज हो गया कि अभी और होगा? उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगी। 164 का बयान दर्ज हो गया है और आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। झारखंड पुलिस पूरी सहायता कर रही है, देखिए क्या होता है आगे। अदालत से पूरी उम्मीद है जी। चौका के पास बुधवार देर रात विपरीत दिशा से आ रही ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर में एक ट्रक चालक कैबिन में ही फंस गया, जिसे क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चौका थाना क्षेत्र के उरमाल के पास बुधवार देर रात दो ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर में एक चालक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद एक ट्रक का चालक अपने वाहन के अंदर ही फंसा रह गया। घटना देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच बताई जा रही है। इसकी जानकारी मिलने के बाद चौका थाना की पुलिस गश्ती दल ने क्रेन की मदद से ट्रक में अंदर फंसे चालक को बाहर निकाला। चालक की तब तक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने चालक के परिजनों को इसकी सूचना देने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दी। मिली जानकारी के अनुसार उरमाल के पास सीमेंट नदी एक ट्रक ब्रेकडाउन होकर NH 33 पर खड़ी थी। रात के वक्त उसी दिशा से छड़ लेकर रफ्तार से आ रही एक अन्य ट्रक ने सीमेंट लदे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में टक्कर मारने वाले छड़ लदे ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टाटा ब्लूस्कोप स्टील कंपनी प्रबंधन के मनमानी रवैये और मजदूरों के शोषण के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा गुरुवार को कंपनी गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। चिलचिलाती धूप और कड़ी गर्मी के बावजूद एटक के नेतागण एवं कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के हक और अधिकार को दिलवाने हेतु कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। ब्लूस्कोप कंपनी प्रबंधन के संवेदक सिग्नोड इंडिया के द्वारा यहां कार्यरत ठेका कर्मियों का शोषण किया जा रहा है और इसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है। एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि उक्त संवेदक के द्वारा लगातार मजदूरों का शोषण किया जाता है, साथ ही महिला मजदूरों से ओवरटाइम करवाया जाता है लेकिन उसका भुगतान उन्हें नहीं मिलता। संवेदक के द्वारा दूसरी ठेका कंपनी के नाम से मजदूरों का PF जमा करवाया जा रहा है। जब मजदूर इसका जवाब संवेदक से मांगते हैं तो उन्हें काम से हटा दिया जाता है। प्रफुल्लो कुंभकार को ठेकेदार सिग्नोट इंडिया के द्वारा लगभग 3 माह पहले इसलिए काम से बैठा दिया गया, इन्होंने मांग किया था कि सिग्नोट इंडिया कंपनी का गेट पास है और PF बाबा लोकनाथ में काटा जा रहा, हमारा सही मालिक कौन है हमको बताया जा रहा। इसी मांग को लेकर के जब इन्होंने अपने प्रबंधन को कहा इन्हें काम से निकाल दिया गया। इसकी लिखित शिकायत उप श्रमायुक्त महोदय के द्वारा जब किया गया, प्रबंधन पक्ष के द्वारा उपस्थित हुआ गया ये 1 तारीख को और ये कहा गया कि हम सब सुसंगत कागजात के साथ उपस्थित होंगे। दुख के बात यह है कि DLC महोदय ने 3 तारीख को वार्ता निर्धारित किया था, प्रबंधन पक्ष के द्वारा किसी के द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया। शहर के एक बुजुर्ग दंपति ने पिंजरे में कैद पंछियों को मुक्त करने का बीड़ा उठाते हुए लोगों के बीच एक सुंदर संदेश दिया है। गुरुवार को जुबली पार्क में एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, इससे दिल को काफ़ी सुकून मिला। स्टील सिटी प्रेम की नगरी भी है और यही नज़ारा आज
जुबली पार्क में देखने को मिला, जहां शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग लगभग 5 दर्जन से ज़्यादा पक्षियों को आज़ाद कर सुकून महसूस की। इन लोगों का कहना है कि पिंजरे में कैद है उनसे पूछिए आज़ादी के सही मायने क्या है, लेकिन वही पिंजरे से बाहर निकलता है, खुले आसमान के नीचे विचरण करता है और दुआ आज़ाद करने वाले लोगों को ज़रूर लगती है। और यही नज़ारा आज जुबली पार्क में देखने को मिला। यह एक संदेश है कि किसी को बंधन में ना रखें और खुश रहें और दूसरों को भी आज़ाद रखें। सब उड़ेगा एकदम, उठा लीजिएगा, चलो रेडी, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इनको आज़ाद कर दीजिए, ये भी खुश हम भी खुश। जीव जंतु या इंसान सब जो है पिंजड़े के बाहर ही अच्छे लगते हैं, पिंजड़े में नहीं। कैसा लग रहा है? लॉयला स्कूल ऑडिटोरियम में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त विजया जाधव प्रमुख रूप से मौजूद थी। निपुण भारत मिशन के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जब बच्चे कक्षा 1 से लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, बाल वाटिका से लेकर आगे की कक्षाओं में बच्चों में भाषाओं के ज्ञान को लेकर शिक्षकों की ट्रेनिंग जिला स्तर तक कराई गई। इसे लेकर 90 दिनों तक जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के फीडबैक को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बिष्टुपुर स्थित लॉयला स्कूल के ऑडिटोरियम में किया गया। जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से जानकारी हासिल की जा रही है कि कहां मिशन के तहत अड़चने आ रही है, कहां रिसोर्सेस कम पड़े हैं, किताबें नहीं पहुंच पाई, चित्र के साथ गेम्स के साथ किस तरह से बच्चों को बौद्धिक विकास हो, इस पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। हमारे कोविड के बाद हमने किया है, जो लर्निंग लेवल में बच्चे छूट गए थे पीछे, उस लर्निंग लेवल को मैच करने के लिए हमने जो प्रयास किया है उसमें हमारे उपायुक्त महोदया ने 100 डेज एफएलएम प्रोग्राम के तहत बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जो बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए थे, जो वन क्लास की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आज वो बच्चे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उस निपुण भारत मिशन में जो हमको एक लक्ष्य दिया था कि बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड कक्षा में जब जाते हैं या उनका जो आयु वर्ग होता है, जैसे 5वीं से 6वीं, 6वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, तो ये जो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1, 2, 3 तक बच्चों को फंक्शनल न्यूमरेसी और लैंग्वेज का जो ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स का भी ट्रेनिंग कराया गया था और उसके साथ साथ बच्चों को भी कैसे सिखाना है उसका एक शेड्यूल बनाया था। तो उसका हमने जो हमारे ज़िले में फर्स्ट 90 दिन का जो प्रोग्राम था उसको कम्प्लीट करने के बाद उसके फीडबैक के ऊपर आज चर्चा हुई, और अगर हमको इसको अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स लेके जाना है तो हमारे क्या क्या अड़चने हैं, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, कहाँ रिसोर्स कम पड़े, कहाँ किताबें नहीं पहुँची, कहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ करना क्या है टीचर्स को पता नहीं था, कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी बातें यहाँ पर पता चली। SSP प्रभात कुमार ने गुरुवार को सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन करते हुए विशेष दिशा निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन कार्यालय सभागार में किया गया। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को लंबित वारंट कुर्की एवं लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुफ्त शिक्षा के नाम पर ग्रामीण बच्चों के बीच विशेष धर्म की पुस्तकों के वितरण से नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 युवतियां शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जगदरपुर शहर से सटे देवगांव गांव में पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां पढ़ाई के नाम पर बच्चों को दूसरे धर्म की पुस्तक दिए जाने और धर्म संबंधित पाठ पढ़ाए जाने की ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 3 युवतियां और 1 युवक शामिल है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक देवगांव में से 3 दिनों से कुछ युवक युवतियाँ शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताते हुए गाँव में बच्चों को पेंसिल, पेन, कॉपी इत्यादि वितरण कर रहे थे। साथ ही युवकों द्वारा कहा गया था कि इस गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
इसे लेकर ग्रामीण राजी हो गए थे और देवगांव नीचे टोला के कोलखाई गांव में बच्चों ने पढ़ाई शुरू भी कर दी। बुधवार शाम को जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों की नज़र पड़ी कि बच्चों को दूसरे धर्म की पुस्तकें दी गई है जिसमें धार्मिक बातें लिखी हुई है। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गुना पूजा बोलते हैं इसको, पूजा के बाद हम लोग का जो खेती बाड़ी का स्टार्ट करते हैं वही होता था। जब हम लोग आ रहे थे वहाँ देखें कि कुछ लोग वहाँ कुछ भीड़ बैठा के कुछ उन लोग को पढ़ाई का माध्यम से या कुछ मतलब गाना वाना बजा के कुछ उन लोग को बता रहे थे। तो हम लोग पहला देखे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बोला हम लोग समझे कि कुछ उन लोग को अपना कुछ कर रहा होगा। बाद में हम लोग जाके पूछे कि यहाँ क्या हो रहा, तो बोले कि हम लोग का हो भाषा का शिक्षा दिया जा रहा। तो मतलब कैसा शिक्षा दिया जा रहा हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं। तो देखे किताब देखे तो हमको लगा डाउट थोड़ा लगा, तो हम लोग बोले तो इसे तो आप लोग गलत कर रहे हो भाई। जब हमारा देश आज इसी का चलते गुलामी बना था, आज आप लोग यही करते हो, आप लोग को अब जब गरीब लोग को उछला के थोड़ा खाना पीना दे के तो गलत रास्ता ले रहे हो। अभी यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां 99 रुपए में पाए बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं, सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर, नियर छगन लाल ज्वेलर्स, बिस्टपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी,
in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. Types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं हो। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।